दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50.45 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 61.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.16 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार की सुबह अपने नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले मरने वालों के टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर क्रमशः 50,45,66,515, मरने वालों की संख्या 61,98,219 और टीकाकरण की कुल आबादी 11,16,87,63,083 हो गई है। सीएसएससी के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ पर कोरोना के 8,06,32,301 मामले हैं और 9,88,618 मौतें हो चुकी हैं। भारत कोरोना का दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जहाँ पर 4,30,42,097 मामले हैं। सीएसएससी के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा मामले वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में ब्राजील 3,02,52,618, फ्रांस 2,69,60,919, जर्मनी 2,34,37,145, यूके 2,19,16,961, रूस 1,78,11,199, दक्षिण कोरिया 1,63,53,495, इटली 1,57,12,088, तुर्की 1,49,94,937, स्पेन 1,16,27,487 और वियतनाम 1,04,32,547 है। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया उनमें ब्राजील 6,62,207, भारत 5,21,751, रूस 3,66,001, मेक्सिको 3,23,938, पेरू 2,12,619, यूके 1,72,014, इटली 1,61,687, इंडोनेशिया 1,55,866, फ्रांस 1,45,194, ईरान 1,40,829, कोलंबिया 1,39,750, जर्मनी 1,32,953, अर्जेंटीना 1,28,344, पोलैंड 1,15,838, स्पेन 1,03,104 और दक्षिण अफ्रीका 1,147 मामलों के साथ शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।